गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है सुब्रा मुक्ताली। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टाइल एंड ब्लॉग्स। आज मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूं, एक्चुअली वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने काम के साथ। लेकिन मैं आशा करता हूं आपको मेरा इससे पहला वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी लोगों ने मुझे अपना रिव्यू भी शेयर किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज फाइनली ये ऊटी वाला व्लॉग है। ऊटी के अंदर क्या क्या हुआ, ऊटी के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग थे 3 दिन के लिए और पहले दिन पे हम लोग गए बोटिंग करने के लिए। बोटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, अच्छा एम्बियंस था, अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था बोटिंग के लिए। उसके अलावा काफ़ी भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हनीमून पे आए हुए थे। और क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था, काफ़ी हद तक एम्बेरसिंग नहीं बोल सकते, काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन बाकी एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे होने लग गई ज़ोर की बारिश। और बारिश होने के बाद फिर कहीं घूम नहीं सकते वहाँ पे क्योंकि काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट बदल जाता है, बहुत ठंड पड़ने लग जाती है, बहुत स्लिपरी हो जाता है। खैर स्लिपरी तो हो ही जाता है लेकिन एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता है ठंड के इस वजह से। तो हम ऊटी में एक्चुअली सिर्फ बोटिंग ही कर पाए। और सेकेंड डे पे शाम को हम लोग निकल गए, फिर हम गए बंडीपुर फॉरेस्ट देखने के लिए, जो कि होने वाला है मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे प्लीज़ आपको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, कृपया कमेंट छोड़े अपने रिव्यूज़ के साथ। थैंक यू और अपने इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।